हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स के ऑनलाइन फॉर्म जो कि 2019 में यहाँ पर निकल गया है, जिसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए यहाँ पे इस जॉब के डिटेल्स आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, करियर इंडियन एयरफोर्स आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट एडमिशन अंडर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT, जो कि 1 जनवरी 2019 बैच। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड एंड कंप्लीटेड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। AFCAT कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2020 ऑनलाइन फॉर्म। तो एप्लीकेशन के जो डेट है यहाँ पे 1 दिसंबर 2018 में शुरू होगा एंड लास्ट डेट जो है यहाँ पे 30 दिसंबर 2018 में ख़त्म हो जाएगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन। और लास्ट डेट के पेमेंट जो कि एग्ज़ाम के फीस जो पेमेंट करना होगा उसका डेट है 30 दिसंबर 2018 और एग्ज़ाम डेट जो है 16 to 17 फरवरी 2019। और एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा 2019 में फेब्रुअरी में। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगेगा। मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए 0 जो कि एप्लीकेशन फ़ीस है। एंड इसके साथ साथ बैच नेम जो कि है यहाँ पे ब्रांच नेम एंड एंट्री जो कि है, मैं उसको भी आप लोगों को बता देता हूँ। AFCAT एंट्री एंड ब्रांच नेम जो कि है यहाँ पे फ्लाइंग। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 20 to 24 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो कि है यहाँ पे आपको 10+2 जो कि साइंस ग्रुप से एंड BE BTech कोर्स अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच नेम जो है यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जिसके लिए आपको 20 to 26 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको यहाँ पे 10+2 में आपको मिनिमम 60% आपको मार्क्स आपके पास होना चाहिए साइंस ग्रुप से, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी के डिटेल्स में यहाँ पे है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए 20 to 26 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क्स। फिजिकली एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे हाइट मेल के लिए 157 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। उसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पे अकाउंट के लिए, जिसके लिए आपको 20 to 26 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते, जिसके लिए यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। इसके लिए भी आपको आपको 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए और हाइट भी इसका सेम ही रहेगा। उसके बाद एडुकेशन जो कि डिपार्टमेंट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे 20 to 26 ईयर तक आपका एज लिमिट रहेगा। और इसके लिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए MBA, MCA, MA, MSc डिग्री, एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स। फिजिकली एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे हाइट मेल एंड फीमेल के लिए आपको सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे है मेट्रोलॉजी, जिसके लिए आपको 20 to 26 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसके बाद है यहाँ पे NCC स्पेशल एंट्री के लिए फ्लाइंग के लिए 20 to 24 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट एंड अदर्स डिटेल एज पर द फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 20 to 26 ईयर तक फॉर एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में जाके आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था जो कि एयरफोर्स के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है न्यू बैच के लिए, उसका डिटेल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन में जाके रजिस्ट्रेशन करना हो, जिसके लिए आपका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों के वहाँ पे लिए मैं इसका लिंक मैं वहाँ पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते। इसके अलावा इसका जो और नोटिफिकेशन है उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके क्लियरली और एक बार पढ़ सकते।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।